पहले ये बड़ी खबर आपको हम दे दें, योगी कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। लखनऊ के लोक भवन में ये बैठक हो रही है, तो बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। बजट का प्रस्ताव भी कैबिनेट में होगा पास। तो आपको बता दें कि आज यूपी सरकार अपना चौथा बजट योगी सरकार जो है वो पेश करने जा रही है, और माना जा रहा है कि ये जो बजट का आंकड़ा है वो 5 लाख करोड़ का जो है वो पार कर सकता है। फिलहाल लोक भवन में बैठक लगातार योगी कैबिनेट की चल रही है, और इस बैठक में वित्त वर्ष 2020-21 के बजट प्रस्तावों और उससे संबंधित विनियोग विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। उसके साथ ही कई प्रस्तावों को हरी झंडी भी योगी कैबिनेट की मिल सकती है। तो योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट केंद्र सरकार की तर्ज पर यूपी में गरीब सवर्णों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने के लिए कानून के मसौदे को मंजूरी भी इसमें दे सकती है। तो कई मायनों में योगी कैबिनेट की बैठक काफी अहम, जिसमें मंडी एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी जा सकती है, तो राज्य संपत्ति के भवनों के लिए भी संशोधन विधेयक को लेकर विचार विमर्श हो सकता है। तो आपको बता दें कि लगातार लखनऊ लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक जारी, और संवाददाता नरेंद्र यादव फोन लाइन पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। नरेंद्र, सीएम योगी की कैबिनेट बैठक लगातार जारी, कई प्रस्तावों पर मोहर आज। बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ 9:30 बजे से लोक भवन में कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं, और उनके साथ सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, और कई प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रस्ताव जो होगा बजट का होगा, उत्तर प्रदेश का भारी भरकम जो बजट है उसके बजट पर आज कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, उसके बाद सदन में पटल पर रखा जाएगा। वहीं जो सवर्णों को 10% आरक्षण देना था, गरीब सवर्णों को, उसको रखा जाएगा, उसको कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद मिल चुकी है, उसको आज सदन में रखा जाएगा। तो वहीं राज संपत्ति विभाग के आवासों के आवंटन को लेकर एक पॉलिसी है, उसको प्रस्ताव के लिए रखा जाएगा, उसको कैबिनेट मंजूरी देगी। तो इस तरीके से देखा जाए मेन फोकस आज पूरे प्रदेश का उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर है, जिसको लेकर कैबिनेट की बैठक चल रही है। कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी मिलने के बाद सभी मंत्री मुख्यमंत्री के साथ विधान भवन पहुंचेंगे, और यहां पर विधानसभा में बिल्कुल आज चौथे बजट पर नरेंद्र सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं। फिलहाल योगी कैबिनेट की अगर बैठक की बात करें लगातार यहां पर जारी, जिसमें बजट के प्रस्तावों को लेकर मंथन यहां पर किया जाएगा, और कई प्रस्तावों को मंजूरी भी यहां पर दी जा सकती है। जैसे कि आपने बताया कि गरीब सवर्णों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने के लिए कानून के मसौदे को भी मंजूरी इस कैबिनेट में मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं फोकस इस बार इस बजट में ये भी सीएम योगी का रहने वाला है कि इसको इस बजट सत्र में पास कराया जाए। नरेंद्र, बिल्कुल, कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी थी, अब इसको सत्र में पास करवाना है, तो आज जब सदन शुरू होगा तो चलिए नरेंद्र, फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।